मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। तो प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में। अब हम में थी शक्तियां, तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ, हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहां गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ? अब यार ग्रेविटी कहाँ गई ये तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे, पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा इस गेम प्ले के बारे में। ये वाला गेम प्ले इतना ज़्यादा खतरनाक जा रहा था और हमारे साथ बस हो जाते हैं यार सीन। तुम्हें पता होगा अगर हमारे साथ सीन नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे, तुम ही बताओ। इस वाले मैच को और इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना सीरियसली तुम बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर दोगे। अभी फिलहाल हम उतरे हुए थे यहाँ पे जहाँ पे हम मच्छर बनते हैं, ठीक है। मुझे गन मिली और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस बंदे को बेला शॉटगन से। शॉटगन पता नहीं भाई कैसे कनेक्ट होगी, वैसे होती नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिलहाल तो मैंने इस वाले बंदे को पेल दिया था। इस वाले बंदे के पास से मुझे मिली स्कारल और स्कारल ठाने के बाद मुझे मारने थे और बंदे, पर भाई वो दिख ही नहीं रहते यहाँ पे। पर हाँ उसी के साथ मुझे यहाँ पे एक बंदा टीपी भी लेता हुआ दिख जाता है, जैसे कि मैं नॉक कर देता हूँ और उसके टीममेट का किल चुरा ही रहा था मैं, इतने में मेरे टीममेट ने उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया। अब देखो नॉर्मल पबजी मोबाइल प्लेयर की तरह मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करके आ चुका था। अब सबसे पहले इंसान बनते हैं क्योंकि भाई मच्छर के बस का नहीं है किसी को भी मारना, सच कह रहा हूँ तुम्हें, बहुत बेकार चीज़ है। अब देखो जिस वाली लैब पे मैं टेलीपोर्ट करके आया था उसके नीचे यहाँ पे एक बंदा था जो कि भाई मुझे डैमेज देके भाग गया, पर अभी उस बंदे को ढूंढते हैं। यही था यार अभी तो अब देखो इस वाले बंदे को तो मैंने मार दिया था। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ भाई, गाड़ी उठाता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था और किल्स नहीं मिलने वाले, उस लैब पे कोई नहीं आने वाला, तो मैं दूसरी लैब पे आ गया। अब एक तरीके से मैं इस वाली लैब पे इसलिए आया था ताकि मुझे यहाँ पे थोड़े से किल मिल जाए, पर पीछे से मेरे टीम मेट के स्प्रे पड़ता है। और यार ये जो स्प्रे था ना ये नॉर्मल बंदों का स्प्रे नहीं था, ये हैकर का स्प्रे था। वो पूरी की पूरी टीम सामने हैक कर रही थी। अभी फिलहाल इन्होंने हमें नॉक कर दिया था, हमारा माइनस लगेगा 100%। और उसके बाद जो है भाई इन्होंने मेरे टीममेट को भी दौड़ा दौड़ा के मारा। हो सकता है तुम्हें ये स्प्रे नॉर्मल लगाओ, बट कोई नहीं, तुम पूरी वीडियो देखना, तुम्हें 100% कन्फर्म हो जाएगा कि भाई ये हैक ही है। अभी देखना वो बंदा AKM से मेरे टीममेट को कैसा स्प्रे देगा। अब देखो तुम्हें ये चीज़ दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये वाले हैकर्स बैन हो जाने चाहिए। मैं तुम्हें इनकी आईडी दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट कर दिया था, तुम भी भाई सबको रिपोर्ट कर देना। यहाँ पे ये दो हैकर थे आई थिंक सो, और भाई ये दो बंदों का रैंक पुश करा रहे थे भाई, उन्हें कोंकर वोंकर पूछाएंगे भाई जबकि गेम बैन है। अब देखो तुम्हें इन्हें रिपोर्ट जरूर करना क्योंकि इनके पास जो भाई हैक थे वो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तुम गाड़ी की स्पीड ही देख रहे होंगे। उसके बाद जो है ये बंदे कुछ बंदों को मारते हैं स्कोड हाउस में, यहाँ पे दीवार हो गया हर बार भैया, पहले जा रहे थे जो इनका मन कर रहा था वही कर रहे थे। यार जो बंदा मुझे खुद नहीं दिख रहा मेरे डिवाइस में भाई, उस बंदे को ये बस पेल ही जा रहे, बिल्कुल घास के आर पार, गेट के आर पार, खिड़की के आर पार, वॉल के आर पार। और भाई गाड़ी तो मतलब भाई असली मैकलैरन तो ये है भाई, कितनी स्पीड से चल रही है। और आगे तुम देखते रहना भाई इन्होंने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई। अगर तुम्हें अभी भी यकीन हुआ ये बंदा हैकर नहीं है तो भाई तुम्हें आगे यकीन हो ही जाएगा, क्योंकि उड़ती हुई गाड़ी है ये साबित कर ही देती है ये बंदे हैकर थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी से मर जाते हो तो सालों तुम उसे हैकर बता देते हो, बट ऐसा नहीं है यार, ये बंदा रियलिटी में हैकर था और ये चीज़ साबित कर देगा ये इस वाले गेम प्ले में, देखते रहना तुम। और सच में गाइस इतना ज़्यादा बंदा नूब था भाई, इसकी मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा बेकार थी ना भाई, मैं कह रहा जिसने नया भी खेलना पबजी स्टार्ट करा होगा ना उसकी भी मूवमेंट इससे अच्छी होगी।
रिकॉल देख रहा था यहाँ पे। बहुत सारे बंदों को मारने के बाद क्या करता है, दोबारा वहीं पे जाता है जहाँ पे इनने मेरे टीममेट को मारा था, वहाँ पे उसकी गाड़ी की स्किन उठाता है और उस वाली गाड़ी को भाई सीधा ले जाता है। मतलब टंकी देखी तुमने रोजोक में भाई, उससे भी ऊपर बिल्कुल। भैया स्काई डाइविंग करने का मन था इसका, जहाज थोड़ी ना है, ग्रेविटी थोड़ी ना, पबजी मोबाइल में हेलीकॉप्टर बना रखा है इनने इसका। और मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा, बस इन बंदों को रिपोर्ट मारते जाना भाई, तुम्हें आईडी दिख जाएगी इधर उधर इस वीडियो में कहीं ना कहीं इनकी, तो इन बंदों को रिपोर्ट जरूर मारना। और खास करके इस साले नंगे हैकर को भाई, क्या बंदे पे ला साला। अब यार इस वाले हैकर का तो आराम से इस वाले मैच में चिकन डिनर हो ही जाता है, हमने सब पूरा देख लिया था। उसके बाद मैंने एक दूसरा मैच स्टार्ट करा और इस वाले मैच में भाई जीतना था मुझे कुछ भी करके। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लैब पे उतरा और ये वाली लैब जो है मिलिट्री बेस के पास थी, यहाँ पे मुझे कोई गन नहीं मिली पहले तो। अब यहाँ पे मुझे नीचे से स्कारल मिल जाती है और इस बार मुझे बंदे चाहिए थे, क्योंकि यार पिछली बार तो देखो हैकर नहीं मारते और भाई उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था भाई, गाड़ी हवा में उड़ा रहा। भाई तुम क्या करोगे यार उस बंदे के आगे जो गाड़ी हवा में उड़ा रहा। पर इस बार भी जो है यहाँ पे इतने सारे बंदे नहीं उतरे थे भाई लैब पे, पता क्या सीन है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बंदे आ जाएंगे, सेम टू सेम जॉर्ज पुल और नोवर अपनोई वाला सीन है। अगर यहाँ पे ज़्यादा बंदे आ गए तो तुम्हें अच्छे खासे किल मिल जाएंगे, अगर नहीं आए बंदे तो भैया तुम्हें पेल के चल देंगे, मैं बहुत ज़्यादा हरामी बंदे होते हैं। अब देखो मैं ब्लैक होल यूज़ करके दूसरी जगह पे आ जाता हूँ, क्योंकि भाई उधर तो मुझे बंदे मिलने वाले नहीं थे और इस जगह पे बंदे मिल ही जाते हैं मुझे एक और बार, और यहाँ पे इस बार भी मिल गए। अब देखो इतने में मैं यहाँ पे झिंगुर से इंसान बनता हूँ, इतने में तो भाई मेरा टीममेट पिल गया था। पर हाँ अपने टीममेट का बदला तो मैंने ले ही लिया था और इस बंदे को साला पूरा फिनिश करूंगा भाई, पूरा खा गया मेरे टीममेट को ये। अब देखो लैब का पता क्या फायदा है, यहाँ पे मैंने मच्छर बन बन के भाई बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे, तो अब मैं ग्रोजा खरीद सकता था और तुम्हारे भाई ने सबसे पहले ग्रोजा खरीदी, क्योंकि यही इस वाले मैच में मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगी क्लोज रेंज में। अब ग्रोजा खरीद के मैं दोबारा से टेलीपोर्ट मार के एक नई जगह पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मिलते हैं मुझे दो तीन बंदे। सबसे पहले तो मैंने इस वाले बंदे को नोक करा, बारी थी इसके टीममेट की और भाई वो तो लैब की तरफ भाग गया था, क्योंकि वो पहले झिंगुर बना हुआ था, उसके बाद भाई वो सीधा इंसान बन गया, तो अब उसे चल के जल्दी मार दें। और इस वाले बंदे के पास भी भाई सेम ही आउटफिट थी जैसे मैं ठाके घूम रहा था, फिलहाल मेरा टीममेट इसकी आउटफिट ठा लेता है और भाई हम दोनों सेम सेम से हो जाते हैं, तो चिकन डिनर लेने में भी आसानी हो, वैसे कपड़ों से चिकन डिनर नहीं मिलता। अब देखो जिस तरीके से हम टेलीपोर्ट यूज़ कर रहे थे, हम दूसरे बंदों की जगहों पे जा रहे थे, उसी तरीके से भाई एक बंदा हमारी जगह पे आ गया और ये रहा बिल्कुल सामने, रुक जाओ इंसान बन के मारता हूँ उसे भाई, तोप से नहीं मरेगा ये। और यार फिलहाल तो ये वाला बंदा भी मर चुका था और इसके पास भाई बहुत ज़्यादा गरीब गन थी, दोनों की दोनों क्रोजबो, एक तो गन में ही नहीं आता वो तो तीर कमान है, एक था इसके पास क्रोजबो एक थी वीएसएस और भाई दोनों मतलब छगेन है भाई, नहीं लगता आधी बार। अब यहाँ पे तुम्हें जो है मच्छर के पीछे मच्छर भगता हुआ दिखेगा, ये बंदा मरने का नहीं, सार पीछे से भाई मैंने इतना एम लॉक करके मारा ना इस बंदे पे, फिर भी भाई पता नहीं कैसे भग के जा रहा था ये। अब देखो ये जो रेड रेड एरिया है इसके बाहर जाने से तो इंसान बन ही जाते हैं, सबको पता है ये चीज़, और भाई ये बंदा भी वही कर रहा था, ये मुझे भाई बाहर ले गया और खुद भी बाहर चला गया, क्योंकि ये कैनन से बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसके डैमेज हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। अब ये जैसे ही बाहर आता है मैं इसे तुरंत पेल देता हूँ और उसके बाद भाई मैं ये लैब वाला खेल और नहीं खेलता, मैं गाड़ी उठाता हूँ आता हूँ एक ड्रॉप पे और ही भाई ये ड्रॉप भी पहले से ही लूटा हुआ था भाई, मतलब कुछ दो ही नाम है, पिछली बार मैच में हैकर मार गया इस बार ड्रॉप भी नहीं मिला।
अब यहाँ पे हम जा ही रहे होते हैं, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं था, पर इतनी देर में एक बंदा दिख ही जाता है जिसने इस ड्रॉप को लूटा था। और इतने में जो है यार हमें ये बंदा मारता है, इतने में हमने इस बंदे को पेल ही दिया था यहाँ पे, और बेचारा अकेला ही था, हम दो थे इसके साथ, गलत सीन हुआ वैसे। उसके बाद हम बहुत ज्यादा दूर तक ड्राइव करके यहाँ पे जंगलों में आ जाते हैं पबजी मोबाइल के। और भाई ये जंगल बहुत ज्यादा घने हैं भाई, यहाँ पे सांप पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे सांप थे भी बंदे। अब भाई हैवी ड्राइवर तो हुई मैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी का होगा एक्सीडेंट, गाड़ी ने खाए 3 टप्पे और मैं भाई सीधा पेड़ की कवर में। अब फिलहाल तो जो बंदा मेरे ऊपर एम लेने की कोशिश कर रहा था, मैंने उस वाले बंदे को नॉक कर दिया, फिनिश करने की कोशिश करी पर वो दिखा नहीं, पर कोई नहीं, मैं जो पास जाके मारूंगा, उसका टीममेट भी है अभी वहां पे। अब देखो ये दोनों बंदे नोकते तो 100% इनके बंदे कहीं ना कहीं पे तो होंगे ही जिन्हें की भाई मुझे मारना होगा, पर उससे पहले इन्हें फिनिश कर दिया मैंने, और साइड से भी भाई फायरिंग आ ही रही थी। इस वाले रिच पे जितने बंदे थे सबसे पहले उन वाले बंदे को खत्म करा। सामने मुझे कंपाउंड पे एक और बंदा दिखा, वो कंपाउंड नहीं छोटा सा घर है, देखो यार वहां पे मैंने एक बंदे को तो नोक कर दिया था, पर आसपास कोई गाड़ी नहीं थी जिसे कि भाई हम उठा के जा सके एकदम से, पर उसके बाद मेरा टीममेट दूर से गाड़ी उठा के ले आता है। अब देखो इतनी देर में हमें ये रियलाइज होता कि भाई हम गलत कर रहे हैं जोन के बाहर जाके, उतनी देर में तो भैया हमारे साथ गलत सीन होने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे जोन के बाहर आने से मुझे ये फायदा हुआ, यहाँ पे मुझे किल्स मिल गए थोड़े से, एक आधा एक्स्ट्रा एक किल मिला था भले ही, पर उसके चक्कर में भाई इन वाले बंदों ने हमें परेशान करा, हमने इन बंदों को परेशान करा। यहाँ पे एक टाइम पे जो है ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैं एक छोटे से सैग में आगे पड़ गया, मैंने अपने टीममेट को कहा, मैंने कहा गाड़ी ला और स्मोक में ला के खड़ी कर दे, मैंने 2 स्मोक भी घेरी थी इसके लिए। यहाँ पे ये जो मैंने 2 स्मोक करी ना, इन 2 स्मोक में मैंने कहा अपने टीममेट को, मैंने कहा इसके बीच में लाके गाड़ी खड़ी कर दे, अगर आसपास कोई बंदा होगा हमें नहीं मार पाने का। पर यहाँ पे मेरे पीछे से पड़ रही थी, मैं और स्मोक से बाहर जैसे ही निकलता हूँ और गाड़ी में बैठता हूँ, तभी तो भाई पेटी बन गई, क्योंकि टीममेट ने गाड़ी तो स्मोक में खड़ी करी नहीं जहाँ से कहा था खड़ी करने को। और यार ये बंदे फ्लैंक वगैरह करके यहीं पे पड़े हुए थे। तो यही था गाइस आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में, और होप सो तुम्हें वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वाली वीडियो पर लाइक करना, बेस्ट पार्ट बताना इस वाली वीडियो का, मैं मिलता हूं तुम्हारे किसी एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।